खबर आ रही है जुम्मे की नमाज के चलते पूरे यूपी में अलर्ट। अलग अलग शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको, अलग अलग शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। कानपुर से यह बड़ी अपडेट, जहां कानपुर में धारा 144 लागू कर दी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कानपुर में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। बड़ी अपडेट आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां पर पिछले जुम्मे कानपुर में हिंसा हुई थी और आज जुम्मे की नमाज है, इसलिए हाई अलर्ट पर कानपुर। घटनास्थल के आसपास चप्पे चप्पे पर नजर है। शहर में सुरक्षा बलों की 17 कंपनियां तैनात हैं। आने जाने वाले हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। कानपुर से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पिछले जुम्मे कानपुर में हिंसा हुई थी। आज आपको बता दें, जुम्मे की नमाज है इसलिए हाई अलर्ट पर है पूरा कानपुर। घटनास्थल पर आसपास चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात है। शहर में सुरक्षा बलों की 17 टीमें हैं। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अलर्ट पर यूपी पुलिस कानपुर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है। पहली तस्वीरें आप देखिए, फिर उसके बाद फ्लैग मार्च करते हुए दूसरी तस्वीरों में देखेंगे तो पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है और साथ में ड्रोन से खास निगरानी जो है वो रखी जा रही है। आपको बता दें, ड्रोन से पूरे इलाके के अंदर देखा जा रहा है कि सुरक्षा बल और साथ में किसी भी तरीके से उपद्रवी कोई जुम्मे की नमाज के ऊपर घटना को अंजाम ना दें और साथ में लोगों में शांति की अपील करी जा रही है। पुलिस फोर्स की तरफ से सुरक्षा बल लगातार लोगों से शांति की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज जुम्मे की नमाज है और पिछले जुम्मे की नमाज कानपुर में हिंसा हुई थी, तो आज हाई अलर्ट पर है पूरा कानपुर। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि ड्रोन जो है, ड्रोन से पूरे इलाके के अंदर जहां पर पहले भी उपद्रवियों ने घटना को अंजाम दिया था और आसपास कानपुर का जितना भी इलाका है वहां पर ड्रोन से खास निगरानी जो है वो रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रवी जो है किसी घटना को अंजाम ना दे। यूपी पुलिस अगर बात करें तो कानपुर के अंदर आप अगर आखिरी तस्वीर जहां देखेंगे, लोगों से अपील कर रही है कि आप शांति बनाए रखें। जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन सबके साथ जिलाधिकारी और मैंने मीटिंग करी और उस मीटिंग में सभी ने आश्वस्त किया है कि पूरे शहर के अंदर अमन चैन कायम रहेगा। सभी लोग, उन्होंने अपने वॉलंटियर्स बनाए हैं और अपने अपने एरिया में ड्यूटी देंगे और किसी प्रकार की घटना घटित होने से, भीड़ इकट्ठी करने से रोकेंगे। सभी ने सहयोग का वादा किया है और पुलिस मुस्तैद है। पुलिस की ड्यूटी हमने लगाई है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर हैं और जगह जगह पर पिकेट्स और हमारी पीआरवी गाड़ियां लगाई हैं और हम लोग अभी रूट मार्च कर रहे हैं ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके कि सब कुछ, सब अमन चैन कायम है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। तो अब कानपुर का असर गाजियाबाद के अंदर भी नजर आ रहा है। आपको बता दें, गाजियाबाद के अंदर भी एसपी जो है वह पूरी तैयारी के अंदर जो है सुरक्षा बल, और आपको बता दें कि गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी ने बताया है कि पूरे जिलों को 5 जोन में बांटा गया है, जिसकी अगुवाई एक एडिशनल एसपी कर रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया अफवाह फैलाने पे महत्वपूर्ण रोल निभाती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कड़ाई से निगाह रखी जा रही है। एसएसपी गाजियाबाद मुनिराज जी ने गाजियाबाद के साफ किया है कि किसी भी प्रकार से अफवाह फैलाने या गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ बेहद कड़ाई से निपटा जाएगा। जनपद गाजियाबाद का टोटली 5 जोन्स में बांट के हम लोग पूरा निगरानी रख रहे हैं और जनपद में येलो स्कीम लॉन्च कर दिया आज से। हम लोग आज से कल 24 घंटे तक येलो स्कीम रखेगी, इस पर सभी पुलिस फील्ड पर रहेंगे, खासतौर से सीनियर ऑफिसर से नीचे कांस्टेबल तक सभी लोग रोड पर रहेंगे, लगातार ग्राउंड में रहेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और हमारा सभी जोन के प्रभारी एडिशनल पे रहेंगे। उनके नीचे 8 सेक्टर्स बनी और सेक्टर का प्रभारी सीओ साहिबान रहेंगे और उनके नीचे लोकल एसएचओ अपना छत्र में रहेंगे। खासतौर से मिश्रित तबादले में हमारा टीम लगातार फुट मार्च और फुट पेट्रोलिंग वगैरह सब करते रहेंगे और साथ साथ लगातार ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखते हैं। हम लोग छतों पर कोई ऐसे पत्थर कत्तर नहीं, इसके भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी मूवमेंट में रहेंगे। साथ साथ मजिस्ट्रेट साहिबान भी हमारा एडिशनल एसपी सीओ के साथ साथ रहेंगे और लगातार हम लोग मीटिंग भी कर लिया। और पिछले कुछ दिन से जनपद में जो नॉट जो कम्युनल सेंसिटिविटी थोड़ा बड़ा, इसके लेके उच्च अधिकारी लोग का आदेश निर्देश लगातार जारी हुआ, उसके भी 100% हम लोग कंप्लेंट्स करवा रहे हैं। लगातार पीस कमेटी मीटिंग हर थाना क्षेत्र में पीस कमेटी उन्होंने कंडक्ट किया है
और साथ साथ सभी धर्म को गुरु से भी हमारे अधिकारी लोग लगातार संपर्क में, अभी जनपद में फिलहाल अभी तो शांति है और लगातार जारी रखेंगे हम शांति व्यवस्था अच्छी तरीके कड़ाई से पालन करेंगे। जो भी प्रोफाइल तत्व कुछ कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया भी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं, कोई भी रूमर्स फैलने वाला और किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करने वाला उनके खिलाफ सख्ती से कार्य करने काम उनके से कड़ाई से काम करेंगे हम लोग, उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे हम लोग, कार्रवाई भी करेंगे और बाकी लगातार हमारा हर चारों तरफ से